हाय, बोला हेलो सर, बोला हाय आई एम रिकी। मेरा दिमाग में आया मुझे पता है आपको टीवी में देखा मैंने, रिकी पॉन्टिंग हो आप। मैं अभिषेक हूँ। तो वही बोला मैम मैं अभिषेक हूँ। बोला या वेलकम टू द डीसी। तो फिर उसके बाद चलने लगा सर बात बात। मतलब जिस दिन बोलने वाले थे उस दिन, उसके पहले वाले दिन प्रैक्टिस के बाद रात को मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या होगा क्या होगा, यार छोड़ो मैं सोता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, इतना सोचने का जरूरी नहीं है। मैंने उठा, देखा इतना सारा मिस कॉल है टीम मैनेजर से। तो फिर मैं फ़ोन किया कॉल बैक, तो फिर तब पता चल गया था, थोड़ा थोड़ा हिंट आ गया था कि इतना सारा मिस कॉल्स होगा, तो लगभग हो ही गया। तो मैंने उठ के सीधा फ़ोन किया और बोला कि तुम्हारा नाम आ गया अभिषेक, तुम अपना जर्सी नंबर वगैरह सब दे दो बस। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सेकेंड मैच खेलने वाला हूँ, क्योंकि सरफराज ने भी अच्छा ही किया था। फिर मैंने जब बैटिंग करने गया, मैंने नॉर्मली बैटिंग किया, तो रिकी सर ने बताया बैटिंग के बाद, नेट्स के बाद बताया विल बी प्लेइंग टुमारो से एंड बी रेडी। तो मैंने ना चौंक गया, मैंने सोचा अरे यार ये क्या मौका बन गया मेरे लिए। तो बोला, तो सर पूछ रहा था कि थोड़ा टेंस हो, पहले तो मैंने एक्साइटमेंट में ना बोल दिया टेंस नहीं हूँ। फिर बोला यस सर आई एम टेंस्ड आई एम टेंस्ड। तो बोला कोई नहीं, चलो तुम कल खेल लो, बी प्रिपेयर्ड। सुबह मुझे सौरभ सर ने बुलाया, बोला रशीद खान का वीडियो देख लो। सौरभ सर के साथ 1 घंटा तो मैंने देखा ही वीडियो, कम से कम रशीद का पूरा वीडियो रशीद का देखा मैंने 1 घंटा। फिर मैच पे गया, सब कुछ अच्छा हुआ, रशीद का बॉल में पहली बॉल आउट हो गया। बहुत बुरा था ये बॉल। पहला सीजन है, पहला मैच है, अलग ही मज़ा आ रहा है। दिल से पूरा, अंदर से पूरा एकदम एनर्जेटिक। तो फिर टीम हर्डल हुआ, फिर बोला कि एक चेंज होने वाला है। तो सरफराज ने किसी में याद नहीं आ रहा है, किसी का एक जगह अभिषेक यू आर इन द डेब्यू ऑन द फर्स्ट मैच। सो उस टाइम पे मेरा मतलब अलग ही था। मतलब फिर कैप दिया, कैप के बाद अलग मज़ा। सौरभ सर ने कैप दिया, मज़ा आ गया। मतलब बाउंड्री क्रॉस करके गया तब बहुत बहुत जोर का बजा रहा था, इधर दुख 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 कर रहा था। मैंने बोला शांत शांत शांत, फिर स्टांस लिया। पहले तो मैंने फील्डर नहीं देखा, पहले स्टेडियम देखा कितना भरा हुआ है। तो क्या होगा नहीं होगा, पहला बॉल कुछ भी करके, हैट्रिक बॉल भी था, वो हैट्रिक बॉल था। तो मैंने बोला यार ये बॉल खेल लो, सब चला जाएगा आराम से। फिर मैंने पहला बॉल किया, फाइनली एक बॉल खेल के भाग गया मैं। फिर धीरे 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 नॉर्मल हो गया। हार्दिक मैंने जैसे मतलब जो ट्रेंड बनाया अपना, उसका जो जिसका नाम से उसको पहचाना जाता है हार्दिक पांड्या, तो उसका अलग थोड़ा मतलब इंडियन से थोड़ा अलग स्टाइल है उसका, लाइक चेन्स वगैरह। ट्राई किया कि कैसा लगता है मेरे ऊपर, मैंने ट्राई किया तो आदमी लोग देखे अच्छा बोलने लगा, यार तुम कूल लग रहे हो, तुम सबसे अलग हो। कोई नॉर्मल आदमी नहीं पहनेगा शायद नियॉन कलर का टी शर्ट, ऑरेंज कलर का हुडी, टी शर्ट, ये सब नॉर्मल आदमी शायद नहीं पहनेगा, मैं पहन लेता था। उस टाइम में कुछ दिमाग में नहीं आया, बॉल आया पकड़ लिया। खलील भाई ने बॉल डाला और कॉट भी है, मैंने तो बस पकड़ के उठा दिया। अरे हार्दिक का कैच पकड़ लिया, चलो यार पहला कैच, मज़ा आ गया। कोच स्टाफ से लेके प्लेयर्स तक सभी बहुत ही अच्छे हैं। इस टीम के साथ रह के ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम अलग हो, मतलब तुम बाद में आए हो क्या, ऐसा कुछ टाइप का फील ही नहीं हुआ। अभी तक एज अ रिप्लेसमेंट आया हूँ कि मैं ऑक्शन में नहीं बिका, फिर उसके बाद आया हूँ, ऐसा कोई फील ही होने नहीं दिया इन लोग ने कि इतना अच्छा है। बता रहे थे कि देखो खुल के खेलो, जैसे कीपिंग एंजॉय कर रहे हो वैसे ही बैटिंग एंजॉय करो। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, आउट होगा तुम, रन भी बनाओगे तुमको ही करना है। तो एंजॉय करने बोला, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो बैटिंग को। जब तुम एंजॉय करोगे तब तुम्हारा खेल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। मम्मी पापा तो बोलते हैं कोई ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम उतना बड़ा स्टेज में गए हो, तुम कर रहे हो। ये आदमी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उसको मौका नहीं मिलता है, तुम गए हो तो बस एंजॉय करो। भैया से थोड़ा सीरियस बात, क्योंकि भैया को क्रिकेट समझ में आता है, कि वो भी खेला है, उसको पता है, तो भैया से थोड़ा बहुत सीरियस बात होता है। फिर उसके बाद तो मजाक तो चलते ही रहता है।